गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सरफराज अहमद फ्रॉम द हाउस ऑफ पारारॉक्स BSBE। बच्चों, आज आपने इंटरमीडिएट का 12 का इंग्लिश का एग्जाम दिया है, जिसमें साइंस और कॉमर्स के छात्रों के लिए मैं क्वेश्चन सेट नंबर लाया हूं। कौन सा ये है? जे क्वेश्चन सेट इधर उधर रहता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। आप सिर्फ मिलाते जाइएगा कि कौन सा सही हो रहा है आपका, ठीक है? उसके बाद से अगर आपके फ्रेंड में से किसी का जे सेट होगा तो मिला लीजिएगा, और उसके बाद से आप लेकर उस क्वेश्चन को इधर उधर करके मिलाइएगा, और एक नहीं, दो नहीं, पचास नहीं, कोई 100 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से ही हैज द प्राइज, इसका पहला का आंसर होगा वोन, ही हैज वोन द प्राइज। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में आपके लिए लिया गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही वाक्य को चुनना है। तो सही क्वेश्चन होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा, यू कैन वोट ओनली वेन यू आर 18। जब आप 18 साल के होंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ही वेंट फॉर ए वॉक, तो इसमें क्या होगा, चूज द करेक्ट फ्रेज, आफ्टर ऑल सब कुछ के बाद वो कहाँ गया, टहलने के लिए गया। चौथा नंबर क्वेश्चन निकालिए, मिलाइए एकदम सही से, जे सेट है और सब लोग इसको मिलकर मिला लीजिएगा बाद में, लेकिन आर्ट्स साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए एक क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आई कैनॉट गिव यू मनी। 4, आई हैव नॉन, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं इसलिए तुमको पैसा नहीं दे सकता हूं। उसके बाद से आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि रूल्स बी ऑब्जर्व एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर क्या करना चाहिए, मस्ट होगा यहां पर, अवश्य भी हमें किसी भी कीमत पर क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है कि सी हैज लर्नड हर लेसन, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो हर का हो जाएगा, हर लेसन इधर आ जाएगा, उसके बाद से हैज है तो यहां पर बिन हो जाएगा, तो लेसन से हो गया तो हैव हो जाएगा, यहां लेसन से है तो हैव, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हैव बिन लर्नड बाय हर, तो ये होगा। आइए आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इज देयर मनी इन योर पॉकेट, तो इज एनी यहां पर होगा, क्या आपके पास कुछ पैसा है आपके पॉकेट में, यहां पर इसका आंसर ये होगा। आगे आइए इसमें कह रहा है कि चूज ओड, ओड मतलब हो गया अलग, इसमें से एक अलग देखिए, तो ये फॉक्स हो गया और लिपोर्ट्स हो गया, ये लाइन, ये तीनों क्या हो गया, चौपाया हो गया, और जबकि पिजन क्या हो गया, पक्षी हो गया, ये अलग हो गया। आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिंग इंक पॉट फॉर मी, ब्रिंग मने लाना, तो यहां पर इंक, इंक ये वोवेल है इसलिए यहां पर एन हो जाएगा। आगे आइए, अगर यही इंक रहता तो नहीं होता। उसके बाद से 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन में ही लिव्स इन ए 2-स्टोरीड बिल्डिंग, यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, 2 तल्ले मंजिल पर। आगे आइए यहां पर क्वेश्चन है, जॉन और मेरी गो टू कलकत्ता, तो यहां पर जॉन और जब आ जाएगा तो यहां पर सिंगुलर लगेगा, तो यहां पर इज नहीं होगा बल्कि हैज होगा, क्योंकि वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आगे आइए फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपको आता है, परवीन रोड स्ट्रेट, स्ट्रेट माने सीधा, अरेना, अरेना का मतलब क्या हो गया, अखाड़ा में, इसलिए यहां इनटू लगेगा। आगे आइए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही वाक्य को चुनना है, सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, सी रिटर्नेड, रिटर्नेड पास्ट में नहीं होगा, सी हैज ऑलरेडी रिटर्नेड टुमारो, ये भी नहीं होगा, हैड ये भी नहीं होगा, इसलिए यहां पर होगा सी विल रिटर्न, ये आंसर आपका होगा। अगला आइए 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बाबू सही से मिलाना,
इज बैड फॉर हेल्थ, क्या चीज? स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद से इसमें से क्या करना है आपको, कह रहा है कि होली इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आर्टिकल पर, तो यहाँ पर चुनना है एन आर्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें एक सही स्पेलिंग किसका है, एक्टुअल नहीं होगा, एक्टुअल नहीं होगा, एक्चुअल ये भी नहीं, एक्चुअल ये होगा। उसके बाद से आइए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में क्या कह रहा है, 17 नंबर में क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, इसको करेक्ट पेसिव वॉइस में बनाना है। तो दिस एक्सपीरियंस और विल को यहाँ, दिस एक्सपीरियंस यहाँ विल है, कैन नॉट होगा, वुड नॉट होगा, ये नहीं होगा, तो विल नेवर बी फॉरगेट, इसलिए ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हम आते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इन ए, तो जो कुलीन कामों के लिए जुटता है, मरता है, उसको मार्टर कहते हैं, यानी देशभक्त कहते हैं, उसको क्या कहते हैं सर, देशभक्त कहते हैं, इसलिए मार्टर। उसके बाद से आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि गिव वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस, इसका ए पर्सन हु रिप्रेजेंट अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, यानी किसी उद्घोषणा करते हैं वहाँ पर, तो वो क्या कहता है, एंकर का काम करता है। आगे आइए 20 नंबर क्वेश्चन एकदम सही, हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से है, तो हिज ऑनेस्टी एंड, एक ही आदमी का दोनों गुण है, इज हैज अनक्वेश्चनेबल, तो उसका यहाँ क्या होगा कि उसका जो ईमानदारी और फेथफुलनेस है वो है इज अनक्वेश्चनेबल, बिना कोई सवाल किए होगा, यहाँ इसका ये होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में ही हैप्पी का आपको क्या करना है, इसको एंटोनिम क्या होगा, सैड होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 22 में कह रहा है कि 22 में राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, अब ये इसमें कह रहा है कि WH है, तो आस्क्ड हो जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर टोल्ड है, यहाँ पर आस्किंग है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा राम आस्क व्हाट ही वाज रीडिंग, ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 23 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आंसर होगा यही सी, एक्सहिबिशन है ना। आइए उसके बाद से 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यू नीड टू बाई, यहां पर करेक्ट ऑप्शन यानी आर्टिकल, यू नीड अ डिक्शनरी, यू नीड टू बाई ए डिक्शनरी। अब आइए इसमें से आता है आगे, तो इसमें से क्या करना है, सो का साइनोनिम से क्या होगा, इसका साइनोनिम शो का एग्जीबिशन प्रदर्शनी, शो मैंने देखा ना, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी। आइए 26 में, यहाँ बाबू सौ का सौ दिया जाएगा, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, इसका एक्टिव वॉइस, बाय हुम वाज किल्ड द, देखिए ये WH पढ़ाए थे, हु यहाँ पर आएगा तो पास्ट टेंस में है, हु किल्ड द बर्ड, ये होगा हु किल्ड द बर्ड, ये होगा आपको। आगे आइए 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 27 नंबर एंटोनिम ऑफ नेचुरल, नेचुरल माने प्राकृतिक, और इसका उल्टा क्या होगा, आर्टिफिशियल बनावटी, आवर पथ इज बीसेट डिफिकल्ट, इसका 28 का देखिए, आवर पथ इज बीसेट डिफिकल्ट, तो इसका विथ डिफिकल्टीज, यानी हमारे जो रास्ते हैं वो बनाए गए हैं कठिनाइयों के साथ, ये आंसर होगा बाबू, टोटल का मिलेगा सौ का सौ, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद से सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, आई यू टू रीड द बुक केयरफुली, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चुनना है, आई एडवाइस यू टू रीड द बुक, हम किसी को सलाह देते हैं, तो ये एडवाइस जो होता है नाउन हो जाता है, और ये एडवाइस का यहाँ पर ये सही होगा SI, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 30 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, करेक्ट ऑप्शन आई कुड सिंग, आई वुड हैव संग, अगर देखिए इफ आई कुड सिंग, अगर मैं गा सकता तो गाता,
तो यहाँ पर इफ हो, यहाँ पर हो जाएगा शर्त वाला ये क्लाउज हो गया। उसके बाद से आइए यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही वाक्य को, विच केम फर्स्ट चिकन और एग, ये नहीं होगा। अब देखिए विच केम फर्स्ट ए चिकन और एग, ये सही जा रहा है, ये दी नहीं होगा, एन इसके साथ हो ही नहीं सकता, मारिए बीपर। आगे आइए 32 में क्या पूछा जा रहा है, एकदम सौ का सौ मिलेगा, द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वर बर्नड, तो इसमें क्या होगा, द फ्लैट हैविंग कॉट फायर ऑल द थिंग्स वर बर्नड, घर में आग लगने के बाद सारा घर सामान क्या हो गया, जल गया। उसके बाद से आइए 33 में क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, यानी एकदम पक्का आदमी है, कह जैसे हम लोग कहते हैं कि पक्का वर्ड आदमी वाला आदमी है। आगे आइए क्वेश्चन में से आ रहा है, कह रहा है कि वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल आवर होलीडेज, तब ड्यूरिंग होलीडेज मतलब छुट्टी के दौरान। 35 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, यहां पर 35 का क्या होगा, अकाउंटेंस यहां पर भी आंसर होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कह रहा है कि 36 का चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ चेंज, चेंज का क्या होता है, बदलाव, इसका क्या होगा, रिव्यू, क्या होगा, रिव्यू मतलब चेंज या बदलाव, फिर से इसको देखिए। उसके बाद से आ रहा है 37 में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कह रहा है कि दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाय मी, इसको एक्टिव कहना करना है, तो बाय मी तो आई यहां पर लाना है, पहले आई कहां पर है, आई यहां पर इंट्रोगेटिव हो गया, हैड नहीं होगा, नॉनसेंस नहीं होगा, तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ये होगा। आइए 38 में 100 का 100 मिलेगा, एक भी बाकी नहीं जाएगा, वी कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिसेस, तो क्या होगा, यहां पर सलाह के तौर पर शुड होगा, इसलिए यहाँ एक्जुलरी वर्ब क्या होगा, शुड होगा, क्योंकि सलाह के लिए हम शुड और आउट टू का प्रयोग करते हैं। आगे आइए हैव यू, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सिन होगा। आइए आप 40 में देखिए, 40 में क्या कहा जा रहा है, आपसे 40 में सवाल किया जा रहा है कि he told the boy not to sit there, यहाँ पर डायरेक्ट चुनना है, तो he told the boy not to sit there, तो ये देखिए क्या हो गया, he said to the boy, ये sit boy, don't, does not नहीं होगा, did not नहीं होगा, don't sit here का there हो जाएगा, इसलिए D होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में क्या होगा बाबूज, 100 का 100 मिलेगा, your फर्स्ट टीचर, यहाँ रिमेंबर के किस फॉर्म को याद करना है, तो यहाँ वर्ब वन रिमेंबर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 42 में आ रहा है, आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन वैकेंट, वैकेंट माने खाली, इंपॉर्टी माने में क्या होता है, खाली, यहाँ ये होगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ही इज अटेंडिंग His duty, यहां पर 43 का क्या होगा, attentive to, नहीं बाबू to नहीं, इसमें है by होगा, by his duty। आगे आइए 44, when I finished my work, I asked, यहां पर एग्जेक्टिव, यहां पर इसका क्या पोसेसिव एग्जेक्टिव क्या होगा, माई टीचर टू चेक इक, जब मैंने अपना काम किया तो अपने शिक्षक से कहा कि इसको आप चेक कीजिए। आगे आइए 45, दीज आर प्रॉपर्ली द फर्नीचर इन द शोरूम, यानी फैंसी, यहां पर सुपरलेटिव क्या होगा, आपको फैंसीएस्ट होगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री इसमें देना है। आगे आइए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, दे मेड हर क्या चीज, सिंग, यहां पर सिंग ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर साइन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए उससे कहा गया। आगे आइए 47 में कैचिंग द अर्लिएस्ट ट्रेन विल गिव अस द चांस
टू डू सम शॉपिंग, यहां पर मौका मिलेगा कुछ शॉपिंग करने के लिए। पहले आगे आइए, इसमें कहा जा रहा है 48 में क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि रेशमा अबाउट व्हाट सी वांटेड, तो इसका क्वेश्चन टैग, तो रेशमा का सी हो जाएगा और अबाउट ये सिंपल पास्ट टेंस का है तो ये पॉजिटिव है, इसलिए इसका नेगेटिव होगा डिड नॉट सी, मारिए इस पर डिड नॉट सी। आगे आइए, अब अगला क्वेश्चन है कि ही इंट्रोड्यूस्ड मी By his friend, with his friend, निश्चित तौर से his, by his friend, his relative, नहीं देखिए ये भी गलत हो जा रहा है, इसका सही होगा he introduced me to, यहां पर to his relatives, वो अपने संबंधियों से मुझको क्या किया, परिचय करवाया। आइए क्वेश्चन नंबर 50, यानी अब आपको पूरा सही, she met her mother, she was glad, यहां पर क्या होगा, सी मेट हर मदर सी वॉज ग्लेड, तो भैया सी वॉज ग्लेड टू मीट हर मदर, ये आपका होगा क्योंकि आप लेटर में लिखते हैं कि आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू। आइए अब 51 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा जा रहा है, ही टोल्ड मी आर यू हंगरी, तो ये सबसे पहले बात हो गया क्या कि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड होगा, तो यहाँ सेड है, रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, ये आस्किंग है, तो ही आस्क मी इफ आई वॉज हंगरी, ये होगा। आइए 52 में चलते हैं, 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 क्वेश्चन में कह रहा है कि यू गिव अप स्मोकिंग, तो यहां पर किसी को सख्त हिदायत दे रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, आपको अवश्य क्या करना चाहिए, धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। देखिए सक्सेस डिपेंड, आप बराबर पढ़ते हैं, ऑन हार्ड लेबर, सफलता हमेशा कड़ी मेहनत पर क्या होती है, निर्भर होती है। 54 में क्या कहा जा रहा है, ही अ थीफ लास्ट नाइट, लास्ट लाइट का मतलब हो गया कि पिछली रात, भूतकाल में, ही सॉ, ये टाइम और टेंस में आ गया, ही सॉ अ थीफ लास्ट नाइट। आइए अब आइए 55 में से क्या पूछा जा रहा है, आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार फॉर हर, बट इट ये पास्ट टेंस का बात है, तो इट वॉज टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था। आइए 56 में क्या कहा जा रहा है, 100 का हम देंगे, 100 का, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, तब ये इसका क्या होगा, एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, तो यहां पर एरोप्लेन सिंगुलर है, तब यहां पर क्या होगा, डज नॉट यहीं पर है, ये नॉट ये नहीं है, मे नॉट नहीं है, कैन नॉट नहीं है, तो मारिए इस पर। आगे आइए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये बात पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है कि ही वॉज ब्राउट बाई हिज आंट आफ्टर हिज मदर डेथ, उसके माँ के मरने के बाद उसका पालन पोषण किया, ब्राउट अप माने पालन पोषण करना, ब्राउट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। 58 सर, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें बहुत मजा वाला बात है कि जो गलत है उसको चिन्हना है, होली फॉल्स इन मार्च ये सही है, डू यू लाइक क्रिकेट ये सही है, हे यू स्पीक्स इंग्लिश ये सही है, वी सॉ डियर्स, डियर्स का प्लुरल नहीं होता है, डियर सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है। आगे आइए सर, ध्यान दीजिएगा एकदम एक एक चीज को। आइए 59 केवल ग्रामर से आ रहा है, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू रेडियो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। और 60 यहाँ आपका 10 आंसर बेसी जा रहा है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पर फर्दर का सही स्पेलिंग कौन है, एफ यू आर टी एच ई आर फर्दर। अब बाबू अब इसमें लोग बताइए कि यहाँ पर 61 से शुरू हो रहा है आपका ओरिजिनल टेक्स्ट बुक से, तो देखिए पहला ये जो क्वेश्चन है 61 का आंसर क्या होगा, 61 का क्वेश्चन क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज इज देन संस्कृत एंड पर्शियन, क्या चीज है, यंगर है, यानी संस्कृत इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत और पर्शियन से पहले क्या है, बाद का वह आया हुआ है। द 62 द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम वर्ड कहां से आया है, ये आया है ग्रीक से आया है बाबू, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। 63 सर यही सब चीज चाहिए जरूरी, हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, किसने लिखा था इसको, मैथल एनरोल्ड ने लिखा था इसके, ये ए होगा।
आगे आइए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा और इसको ध्यान से देखिए। अब यह कह रहा है कि चूज इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। किसको कहा जाता है? रिचर्डसन को कहा जाता है। आगे आइए, फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी मस्ट वी यूजुअली मीन फ्रीडम ऑफ क्या चीज? टेक्निकल। हम लोगों को तकनीकी रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। आइए सर, ये देखिए किताब का है सब कि टोटल ए मैरिज प्रपोजल इज कैसी कहानी है? ट्रेजेडी है, हिस्टेरिक है, कॉमेडी है? ट्रेजेडी कॉमेडी, कौन सी है? कॉमेडी है सर, एकदम राइट। आगे आइए, अब ये पूछ रहा है डोनेल स्टडीड लॉ एंड रीड क्या चीज? इसका क्या होगा? थियोलॉजी भी पढ़े थे। उसके बाद से आइए सर, 68 में से सवाल पूछा जा रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, ये होगा हमारा आंसर। आगे आइए, ये देखिए क्वेश्चन देखिएगा, और चैनल पर गलत भी बताया जा गया होगा, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा। गोल्ड स्मिथ एंड सेरेडाइंस मेड कंट्रीब्यूट टू द, इसका होगा नोबेल। आगे आइए 69 के बाद, अब आइए 70 बाबू, 70 में क्या पूछा जा रहा है हमसे? सवाल की रेज होल सोनिया अंका इज ए पोएट, कहां का है? नाइजेरियन है, एकदम 100% राइट होगा। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज बाई, किसके द्वारा? जेंडर के द्वारा, जेंडर यानी लिंग के द्वारा, मर्द या औरत के द्वारा। 72 इसमें से सवाल पूछा जा रहा है कि ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, ये द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। आगे आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है आपसे, 73 क्वेश्चन जो रहा है, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू, मैडिंग टू रिसिस्ट इज फ्रॉम, किससे लिया गया है? तो वो लिया गया है आइडिया डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये इंडियन सिविलाइजेशन से इसको लिया गया है। जो आगे आइए, अभी बताने का समय नहीं है, आगे हम बढ़ रहे हैं। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इसका क्या होगा? इसका होगा बी होगा, वाइफ्स लाइफ। आगे आइए 75 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा कि इमासिपिएशन प्रोक्लेमनेशन गेव द नेग्रो क्या चीज देता है? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी स्वतंत्रता जो इनको मिली है इसको क्या देती है? गुलामी से छुटकारा देती है। अब ये देखिए, ब्रिटनल रसेल वाज ऑल्सो क्या चीज थे? मैथमेटिशियन, एकदम राइट मारा गया है। उसके बाद से आगे आइए, ये सब किताब में से आपको मिलेगा और सब चीज को जीवनी पढ़े थे, कहे थे पढ़ने के लिए उसे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, इसमें फ्रस्ट्रेशन यानी आदमी के दुख और पीड़ा को व्यक्त किया जा रहा है कि एक दिन मरना है, जबकि इंसान मरना नहीं चाहता। आगे है, Thou watch the last ozings hours by hours is from, इसको लिया गया है किससे? ओड टू ऑटम से लिया गया है सर। 79 को देखिए सर, इसको कहां से ले? And when I crumbled, who will remember who is I? इसमें I का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लेडी के लिए गया, जब उसको ताबूत में सुताया गया था तब उससे। अच्छा आगे आइए, तीसरा नंबर, इन हॉट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, टेकन लिया गया है द सोल्जर से, इससे लिया गया है। आगे आइए 81, 100-100 चल रहा है सर, 100-100, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ द कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, इसको लिया गया है सिविलाइजेशन। ये इसको हम भारत इज माय होम ये कह रहे हैं, लेकिन 82 आइए, 82 में क्या कह रहा है? द पीपुल हैव चूजन मेक मी हेड ऑफ द फैमिली फॉर ए
सर्टेन टाइम हु सेज दिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे इस बात को। आप आगे बढ़िए, हु ट्रेवल्स फ्री विथ, हु ट्रेवल ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, क्यों उसका किटेन, वो किटेन उसको लेकर आए थे उसी में से। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है 84। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, क्या चीज, लव के, प्यार के साथ, मिलजुल कर के साथ काम करने के। मैकेविटी द मैस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, इसको किससे लिया गया है, ओल्ड पोशेंस बुक्स ऑफ द प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। आइए आगे 86 में देखिए सर क्या कहा जा रहा है। 86 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ द वर्स रिटेन बाई, इसको लिखा गया है आपको KKN दारू वाला। आपको ये बताया था दारू वाला पीने वाला नहीं है, ये पारसी लोग का टाइटल है। उसके बाद से आगे आइए, He lifted his head from his drinking is from, ये कौन है, the snake से लिया गया है सर। आगे आइए, Who wrote the Huckleberry Finn, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है, लिखने वाले है हेनरी जेम्स। 89 में आइए सर, 100 का 100 देख रहे हैं सर, एक भी बाकी नहीं है। हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट ए क्रिस्टन, इसको लिखने वाले हैं ब्रेटरेंड रसल लिखने वाले हैं। आगे आइए 19 ये किसमें से है, ये सेबी जो गॉड को लेकर पॉलिश करता था इसमें से है। आगे आइए, ऑल द टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल चेंज, इसमें से चेंज प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, तो ये इसमें आपको सोशल प्रॉब्लम, ये हम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम में होता है। आगे आइए 92 में देखिए सर कह रहा है कि बेंजेई अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस, ये देश करके कई चीज को बताया गया होगा उसमें, देखे होंगे कि आपको आया गया हिंस के बारे में पूरा जान गया था। आगे आइए, आगे 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 आइए, आगे आइए 93, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट आपका ये होगा, किताब में कहा गांधी जी बात कहे थे। आगे आइए, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी पीपुल, नहीं सी मिनिस्टर, मंत्रियों से मिलने आ रहे थे। आगे आइए 95 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वर्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है, वॉल्ट विटमैन्स के द्वारा लिखा गया है। आगे आइए क्वेश्चन 96 एकदम 100 में 100, हु रन्स स्कोल्डिंग फॉर द फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिया गया है ट्रोल, ट्रोल्स से। आगे आइए 97, बाबू टोटल क्वेश्चन को बताया गया है, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, एकदम किसमें से दिया गया है, तीसरे नंबर पर आइए एन एपिटाइट से। आगे आइए 98 से आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इज रिमेंबर एज वार पोएट, किसको वार पोएट के नाम से जाना जाता है, वार पोएट के नाम से जाना जाता है इनको, देखिए उसको जाना जाता है इसको टीएस, इनको जाना जाता है। आगे आइए, Who finds Machiavelli lazy and half asleep, ये इसका होगा T.S. Eliot, 100 नंबर क्वेश्चन बाबू, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, आप देखिए इसको पूरा जो है इसको लिखने वाले हैं H.D. Lawrence Eccles have द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, बस किससे है, स्नेक से है। इस तरह से आपको पहला चैनल 100 में 100 बताने वाला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।